हमारे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं में एक बहुत बड़ा कारण है उनकी मृत्यु का। हमारा इम्यून सिस्टम इनसे इफेक्टिवली लड़ सके ऐसी डाइट हमारे को चाहिए। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों अभी 4 या 5 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि इंडिया की एक मॉडल है, बॉलीवुड की मॉडल पूनम पांडे, जिनका कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से निधन हो गया। हालांकि जस्ट अगले दिन पूनम पांडे ने अपना एक वीडियो रिलीज करा और उसमें बताया कि वो जीवित है और उन्हें कोई सर्वाइकल कैंसर नहीं है। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के एक मुहिम चलाना चाहती थी कि जिससे कि लोगों में इसके प्रति एक अवेयरनेस आए और लोगों के अंदर इसके लिए जागरूकता बढ़े, इसका जो टीका है उसको समय पर दिया जा सके, तो ऐसा उनका कहना था। हालांकि इसके ऊपर उनको बहुत ट्रोल किया गया कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ये गलत तरीके से अपनी पब्लिसिटी स्टंट है, ये है वो है। एनीवे, जो भी था, तरीका सही था या गलत था, उसके बाद मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताता हूँ कि विद इन 2 डेज, लास्ट 2 और 3 डेज के अंदर सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन लगता है, जिसके लिए ज्यादातर वो हमारे यहाँ पर लगता ही नहीं है, बहुत फीमेल्स जो है उनको अवेयरनेस है ही नहीं। लेकिन जब ये घटना घटी उसके बाद अगले 2 से 3 दिन में मेरे पास कम से कम 4 से 5 फीमेल्स जो है, क्योंकि मेरे पास आते हैं अपने बच्चे को लेकर के, आ रही मदर्स आती हैं, पेरेंट्स लोग आते हैं मेरे पास में, तो वहां पर उन्होंने मुझसे पूछा कि सर्वाइकल कैंसर का कोई वैक्सीन है, और 2 फीमेल ने सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन भी लगवा के गई। जो वो वैक्सीन मेरे पास 2 ही रखे थे जो काफी समय से रखे थे, क्योंकि कोई लगवाते ही नहीं है, वो बेचारे फ्रिज में एक कोने में पड़े हुए थे। लेकिन इस घटना के बाद मेरे से कुछ महिलाओं ने, जो मदर्स थी, उन्होंने पूछा और उनमें से 2 ने लगवाया भी। अब पूनम पांडे का ये पब्लिक स्टंट, पब्लिसिटी के लिए स्टंट, सही था गलत था, तरीका कैसा था, लेकिन मैंने खुद ने इसका एक एक्सपीरियंस करा कि कुछ अवेयरनेस तो आई है। सर्वाइकल कैंसर हमारे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं में एक बहुत बड़ा कारण है उनकी मृत्यु का, ये चीज आपको समझनी चाहिए। और इसके लिए एक वैक्सीन आता है जो 9 साल की उम्र पर, जो लड़कियां हैं 9 साल की एज पर उसे स्टार्ट करते हैं, उसको दिया जाता है, 2 या 3 उसकी डोजेज होती हैं, वो आप अपने पास में जो भी डॉक्टर उनसे पता कर सकते हैं। इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो उन्होंने किया, चाहे वो उसको अपने स्टंट के लिए किया, चाहे वास्तव में वो अवेयरनेस लाना चाहती थी, बट मुझे लगा कि शायद ठीक है, लोगों के अंदर, महिलाओं में इसके लिए जागरूकता तो बढ़ी है। अब देखिए, आज का जो ये वीडियो रहेगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर जो ये कैंसर हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जो हैं, इनका कारण क्या रहता है और हमारी डाइट उस पर कैसे प्रभाव डालती है। वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं उसकी कुछ रेसिपीज भी बताऊंगा, ऐसी फूड आइटम जिनके अंदर की एंटी कैंसर एजेंट्स सबसे ज्यादा है, यस सबसे ज्यादा अच्छे मिलते हैं। कैंसर बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इसको समझे। देखिए, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर डे क्या कर रही हैं, मर रही हैं और नई चीजें, नई जो सेल्स हैं वो जन्म ले रही हैं। अब जब ये कुछ मर रही हैं, नई सेल्स जब जन्म ले रही हैं, तो इनमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो बदमाश किस्म की, तो वो बदमाश किस्म की भी सेल्स रहती हैं, लेकिन हमारी बॉडी उनके ऊपर एक कंट्रोल रखती है, एक नियंत्रण रखती है, और ऐसी स्थिति में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो जो बदमाश सेल है उनको खत्म कर देता है, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा पाती है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सेल्स जो होती हैं ये हावी हो जाती हैं हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, मतलब डेली पर डे ये लड़ाई लड़ रही है, इम्यून सिस्टम इधर है, ये जो सेल्स हैं जो बदमाश हैं ये इधर है, हमारा इम्यून सिस्टम इनको खत्म कर रहा है। तो जब तक इम्यून सिस्टम सही है तब तक ये कुछ नहीं कर सकते, ये नष्ट हो जाती है। लेकिन जहाँ इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया वहाँ पर ये हैवी हो जाती हैं, ये बदमाश किस्म की हैं, ये जाकर के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको नष्ट करती हैं और अपनी मल्टीप्लिकेशन को बढ़ा देती हैं, एंड दीज आर कैंसर सेल्स। तो ये इसका एक बड़ा कारण है। तो हमारे को करना क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम इनसे इफेक्टिवली लड़ सके ऐसी डाइट हमारे को चाहिए, यस। और एंटी कैंसर एजेंट्स ऐसी कौन सी डाइट के अंदर अच्छे मिलते हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, यस, ये जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जिनमें क्या क्या है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, केल है, इनके अंदर एंटी कैंसर एजेंट्स जितनी भी वेजिटेबल्स मिलती हैं उनके मुकाबले सबसे ज्यादा है। कुछ स्टडीज में ये देखा गया कि ये 40% तक कैंसर की रेट्स जो होती हैं उनको कम करती हैं, यस। तो क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं, इनका नाम कहाँ से आया है, ये नाम एक लैटिन वर्ड से लिया है, क्रक्स, क्रक्स का मतलब होता है क्रॉस, CRUX, मतलब क्रॉस है, ये एक लैटिन वर्ड है क्रक्स, क्योंकि इनके आपने लीव्स देखी होंगी, पत्तियां देखी होंगी, वो कैसी होती है, क्रॉस शेप के अंदर है, तो इस वजह से इनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बोलते हैं, या इनका बॉटनिकल नेम होता है ब्रैसिका, ब्रैसिका के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके अंदर एंटी कैंसर एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 सल्फोरेफेन एंड इंडोल्स, कुछ पॉलीफिनोल्स भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य जो एंटी कैंसर एजेंट है वो है सल्फोरेफेन। अब सल्फोरेफेन जो है इसका एक बहुत अच्छा इसका एक यूनिक फीचर क्या है कि यदि ऐसी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को आप स्टीम भी कर देते हैं और स्टीम करने के बाद भी ये इंटैक्ट रहता है, ये खत्म नहीं होता है,
बाकी जो इंडोल्स वगैरह हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, आप इनका पूरा यूज लेना चाहते हैं तो हमेशा इन क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को रो कच्चा खाइए। मतलब जितना आप इसको सैलड्स के रूप में उपयोग करेंगे, इनके प्रभाव, इनके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो बॉडी पे उतने अच्छे रहेंगे। तो एज ए सैलड आप जब इनको यूज करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी हैं, बजाय कि आप इनकी सब्जी बना रहे हैं। जब आप इसे सब्जी बनाते हैं तो ये जो है एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, ये नष्ट होने के इनके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। नहीं तो एटलीस्ट स्टीम करके आप अपने बच्चे को दीजिए। तो ये जो एंटी कैंसर एजेंट जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर बहुत अच्छे हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या आप अपने बच्चे की डाइट के अंदर इन वेजिटेबल्स का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो इट इज़ माई एडवाइस कि आप प्लीज़ ज़रूर, और ये तो सर्दियों का टाइम है इस समय, विंटर्स के अंदर तो बहुत अच्छे से अवेलेबल है, सैलड्स के रूप में देते हैं कि नहीं देते हैं, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड जो रेसिपी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि कैसी रही।
दोस्तों हमारे पास तीन रेसिपीज हैं। जो पहली रेसिपी है ये मैंने बताई है 6 महीने से 12 महीने के बच्चे के लिए, और ये है प्यूरी फॉर्म के अंदर। इसमें हमने गाजर का भी साथ में उपयोग किया। बहुत डिलीशियस रेसिपी है और साथ में बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत न्यूट्रिशियस है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। और आप अपने बच्चे को, यदि 6 महीने का हो गया तो जब आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, पहले इंडिविजुअल एक एक फूड देके देखना है। गाजर पहले दे करके देख लिया है, गोभी आपने अकेले में मतलब एक बार में सिंगल फूड देकर देख लिया है, कोई एलर्जी के साइन नहीं है, वैसे इन दोनों से एलर्जी आएगी भी नहीं, फिर आप इनको मिक्स कर सकते हैं। तो ये प्यूरी बहुत अच्छी है 6 महीने से 12 महीने के बच्चे के लिए। उसके बाद में जो रेसिपी है उसमें हमने चावल का यूज किया है और घी का यूज किया है। अब आप ध्यान रखिएगा कि चावल और घी दोनों बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत अच्छे हैं। घी का तो कोई मुकाबला ही नहीं, आप अपने बच्चे की डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। चावल से एलर्जी का खतरा भी बहुत कम रहता है और बच्चे की डाइट के लिए बढ़िया रहते हैं, उसके वेट गेन के लिए अच्छे हैं, फाइबर्स का भी अच्छा सोर्स है, तो ये बड़े बच्चों के लिए। और जो तीसरी रेसिपी है ये हमने इसको घी में रोस्ट किया है गोभी को, तो घी को फिर से यूज किया गया है, तो वो अगेन उसके वेट गेन के लिए अच्छा है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, कैबेज हैं, आपके ब्रोकली हैं, एंटी कैंसर एजेंट्स के बहुत बड़े इनके अंदर गुण रहते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे सब्सटेंसेज रहते हैं, तो आप अपने बच्चे की डाइट में जरूर यूज कीजिए। रेसिपीज आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा, बहुत शानदार रेसिपीज हैं, तीन तीन रेसिपीज हैं, आपको कैसी लगी है ये बताइएगा। और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।